देश भर में करीब 2 महीने से लॉकडाउन के बाद 1 जून से अनलॉक की शुरुआत हुई। इस दौरान देश भर में बहुत सी रियायतें भी दी गईं, लेकिन जिम न खोलने को लेकर जिम के मालिक खफा हो गए हैं। जिम संचालकों को किराए के लिए दिक्कत हो रही है और जिम से आने वाली इनकम अभी बंद है। ऐसे में बिजली का बिल और जिम हॉल का किराया संचालकों को अपनी जेब से भरना पड़ रहा है, जिसको लेकर नोएडा के सेक्टर 29 के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जिम ट्रेनरों ने प्रदर्शन किया और सरकार से मांग की कि जिम को जल्द ही खुलवाया जाए, क्योंकि जिम बंद होने के चलते भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भाई जिम क्यों नहीं खुल रही है? जिम देखिए, मैं छोटा सा आपको देता हूँ, मेरी 30,000 रुपए की ईएमआई जाती है, ठीक है, 30,000 रुपए मेरा रेंट है, ठीक है, बच्चों की फीस है, हम सबके साथ ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई अर्निंग्स नहीं है, सो प्लीज ओपन जिम। हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर सबके लिए सोच रहे हैं तो हमारे लिए भी कुछ सोचे, हमारी भी फैमिलीज हैं। फिटनेस वालों को सर मरने दो, वाइन शॉप को आप खुले रखो, यही फिटनेस है। मैं ही बोलना चाहूंगा कि जिम इंडस्ट्री का मतलब है हेल्थ इज वेल्थ, तो अगर आप हेल्दी रहोगे तो आप हैप्पी रहोगे, तो जिम ओपन करना चाहिए। जिम ट्रेनरों ने अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया, इस दौरान वो पुशअप्स भी लगाते नजर आए। हाथ में पोस्टर लिए हुए थे जिस पर लिखा, हम लोग जिम संचालक हैं, सरकार ने सभी काम खोल दिए हैं, लेकिन जिम नहीं खोला, जिसके चलते वो अब सड़कों पर उतर आए हैं।